कारखाने हों, इंडस्ट्री हों, इन सब ये सब सारे प्रभावित होते यदि इस समय भारत आरसीईपी की हिस्सेदारी को स्वीकार कर ले। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत आवेदन करने वालों को सरकार की ओर से उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपए कर्ज मिलता है। योजना का लाभ तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के लोगों को भी मिल रहा है। आइए देखते हैं पेद्दापल्ली जिले से इस ग्राउंड रिपोर्ट को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत आवेदक को कर्ज लेने पर सरकार की ओर से 15% तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना से तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है। पेद्दापल्ली निवासी राज मल्लू कहते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उन्होंने 8 लाख रुपए का कर्ज लेकर अपना काम शुरू किया और इलाके में एक बड़ा सा सैलून खोला। आज अपने इस सैलून में उन्होंने कुछ लड़कों को नौकरी पर भी रख लिया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत मैंने बैंक से 8 लाख रुपए का कर्ज लेकर अपना काम शुरू किया है। पहले मेरी ये दुकान काफ़ी छोटी थी, अब मैंने इसको एक बड़ा सैलून बना लिया है। इस योजना से मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। अब मेरे इस सैलून में 4-5 लड़के भी काम कर रहे हैं। इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना लोगों को उनका स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में केंद्र सरकार की एक पहल है। इससे जुड़कर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना का मकसद युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो